लोगेज आज हम बात करेंगे यहाँ पर न्यू सेटिंग के बारे में। अगर आपके यहाँ पर 2GB का है, 3GB का है, 4GB का है, तो मेरे भाई ये सेटिंग वे सब बंदे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब ये सेटिंग होता है ना, हर बंदे के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर 2GB, 4GB एंड यहाँ पर उससे मतलब कम के लगभग आपका मोबाइल है। अगर आपका मोबाइल लैग करता है या प्रॉब्लम होता है, तो मेरे भाई ये वीडियो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर देखो, आप सबको अगर यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप सबको एक अपडेट के बाद, न्यू अपडेट के बाद आपको एक सेटिंग दिखने को मिलेगा। यहां पर अगर आप सब यहां पर क्लिक करोगे तो आप सबको अभी फिलहाल मतलब गेम में देखने को नहीं मिलेगा, जब भी अपडेट होगा गेम में OB45 अपडेट, तो उसके बाद आपको एक यहां पे एक सेटिंग दिखने को मिलेगा जो कि आप लोग यहां पर स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अगर आप सब इस सेटिंग पर क्लिक करते हो तो यहां पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑटो डाउनलोड, यहां पर रिकमेंड रिसोर्सेज एंड यहां पर ऑटो क्लियर एंड यहां पर रिसोर्सेज रिपेयर। ये तीनों का काम क्या होता है, इसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में बताने वाला हूं। पहले हम आप सबको बताते हैं, बहुत के मोबाइल में ऐसा प्रॉब्लम होता है कि जैसे मैं मान लेता हूं कि आपने इस मैप को यहां पर डिलीट किया, ऑटोमेटिक अगर आप दूसरे दिन यहां पर ओपन करते हो या मतलब कभी भी ओपन करते हो, ऑटोमेटिक किसी किसी का डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से आपको पता है कि जितने भी आपके मोबाइल में मतलब टोटल मतलब इसके वजह से भी मतलब यहां पर मतलब स्टोरेज भर जाता है। मतलब आप सब क्या करते हो, डिलीट करके रखते हो, फिर ऑटोमेटिक यहां पर डाउनलोड होना सिस्टम मतलब चालू हो जाता है, जिसके वजह से मोबाइल में स्टोरेज भर जाता है एंड आपका मोबाइल यहां पर लैग करना चालू कर जाता है। तो इसी के रिगार्डिंग गन्ना ने यहां पर अच्छी सी एक सिस्टम लाया है। अगर आपको मैं यहां पर बताऊं, यहां पर ऑटो डाउनलोड, यहां पर रिकमेंड रिसोर्सेज का ये काम होता है मेरे भाई कि अगर मैं मान लेता हूं इसे आपको ऑन करके रखना चाहिए, ऑफ करके रखना चाहिए, मैं तो हमेशा बोलूंगा ये ऊपर वाले को मेरे भाई आपको हमेशा ऑफ करके रखना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं मेरे भाई, यहां पर देखो जब भी सेटिंग आएगा, तो क्योंकि मेरे भाई अगर मैं मान लेता हूं कि आपने ये ट्रेनिंग मोड या आप कोई भी मैप यहां पर आपने डिलीट कर दिया, तो बहुत का क्या होता है कि मोबाइल में ऑटोमेटिक वे मतलब यहां पर डिलीट होने के बाद भी फिर आप गेम को ओपन करते हो वहां पर डाउनलोड होना चालू हो जाता है, जिसके द्वारा आपका यहां पर स्टोरेज फुल होता है। तो मेरे भाई इसी के प्रॉब्लम के वजह से गेम ने अच्छा सेटिंग रखा है, इसे आपको ऑफ करके रखना है, इसका मतलब समझ गए कि ये ऑटोमेटिक मतलब नहीं होगा। और दूसरा क्या होता है, ऑटो क्लियर, ये बहुत अच्छी सेटिंग है मेरे भाई, ये चीज लाना जरूरी था मेरे भाई। बहुत का क्या होता है कि जैसे मैं मान लेता हूं कि मोबाइल में मतलब मोबाइल में ऐसी बहुत सारी मेरे भाई ड्रेस है, बहुत लोग का मोबाइल क्या होता है कि उसने पूरा मतलब डाउनलोड करके रख लेता है, ठीक है। जैसे मैं मान लेता हूं कि एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जैसे मेरे पास इतनी सारी गन स्किन है, इसमें से मैं एक ही गन स्किन यूज करता हूं, मान लेता हूं मैंने ये वाला गन स्किन यूज करता हूं, ये वाला मैं गन स्किन कभी यूज करता ही नहीं हूं, तो ये भी मेरे भाई क्या होता है कि ये एक डाउनलोड जैसा बन के आ जाता है, तो उनको ही भाई डाउनलोड करके छोड़ देते हो तो हमेशा डाउनलोड रहता है, जिसके वजह से भाई मतलब मोबाइल का क्या होता है कि मतलब यहां पर जितनी भी इसकी मतलब पैकेज रहता है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसके वजह से भाई इसको डिलीट करने के बाद भी वो बाद में ऑटोमेटिक डाउनलोड होता है। इसका मतलब सिंपल है मेरे भाई, ऑटो क्लियर का ये मतलब है कि गन्ना देखो यहां पर खुद लिखा है, अगर आप क्वेश्चन मार्क्स पर यहां पर क्लिक करोगे तो गन्ना ने लिखा है कि यहां पर अनेबल दिस फीचर टू मतलब ऑटोमेटिकली रिमूव द मतलब यहां पर ऑप्शनल रिसोर्सेज अनयूज फॉर ओवर ए मंथ। इसका काम ये होता है कि अगर आप इसे ऑन करके रखते हो तो ऑन करके इसे रखना है, क्यों रखना है, अगर मैं मान लेता हूं कि आप ये वाला सामान या दूसरा सामान को यूज नहीं करते हो एक मंथ, तो मेरे भाई आप उसको जो डाउनलोड करके रखे हो उसका ड्रेस या कोई भी गन स्किन वे ऑटोमेटिक मतलब वे मतलब डिलीट हो जाएगा, मतलब क्लियर हो जाएगा उसका जो भी डाटा होगा, जिसके वजह से मेरे भाई वे जो मोबाइल का जो भी MB रहती है मतलब वे मतलब लैग वे कम थोड़ा फिक्स हो जाएगा, मतलब भार ज्यादा नहीं पड़ेगा एक्चुअल में, ये भाषा में समझो। इसलिए मेरे भाई सिंपल इसे क्या करके रखना है, आपको ऑन करके रखना है, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करूं ये रिसोर्सेस रिपेयर का क्या काम होता है, सिंपल अगर मैं ये बात करता हूं, बहुत का क्या होता है कि मतलब इशू ये हो जाता है, ये भी देखो मैं यहां पर करके समझा रहा हूं एक्चुअल में, कि बहुत का क्या होता है कि डाउनलोड करता है वे फील्ड हो जाता है, या मतलब जैसे आप मैप डाउनलोड कर रहे हो, ड्रेस डाउनलोड कर रहे हो, वहां पर कुछ रिट्राई का ऑप्शन आ जाता है या वहां पर कुछ फील्ड का ऑप्शन आ जाता है, अगर ऐसा अगर डाउनलोड पैक में अगर कुछ भी ऐसा इशू देखने को मिल पर देखो भाई यहां पर क्या लिखा हुआ है, सक्सेसफुल्ली फिक्स हो चुका है, प्लीज ट्राई टू डाउनलोड अगेन। मतलब इसका कहना क्या है, देखो अभी मैंने यहां पर इंतजार किया, इंतजार करने का मैंने ओके किया, इसका काम यही होता है कि मतलब अगर मैं मान लेता हूं कि आपका मतलब ये जैसे मैं मान लेता हूं कि फिर से मैं आपको समझाता हूं, जैसे मान लेता हूं ये ट्रेनिंग वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, हमेशा फील्ड रिट्राई हो रहा है,
तब आपको यहाँ पर मतलब सेटिंग पर क्लिक करना है एंड आपको जो ये रिपेयर वाला है तब आपको इस क्लिक करके रिपेयर कर लेना, आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। मेरा मतलब है आप फिर से आप उसको डाउनलोड करके ट्राई करें, आपका वो इशू सॉल्व हो जाएगा, आपका नॉर्मली वो डाउनलोड हो जाएगा। आई होप कि अगर आप सबका ये तीनों सेटिंग के बारे में समझ में आ गया होगा, इसी वजह से मेरे भाई आप लोग इस सेटिंग को जरूर ऑन कर लेना अपडेट के बाद। आई होप कि आपको पूरा डाउट क्लियर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, इसी तरह 100% इन्फॉर्मेशन देखना है चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल करें, और वीडियोस देखने के लिए चैनल पर विजिट करें। मिलता है उसी के मजेदार वीडियोस में। टाइट टाइट बाय बाय।